भारत ने इसराइल की मंशा को दरकिनार कर फिलिस्तीन का समर्थन किया है। भारत ने गुरुवार को इसराइल और फिलिस्तीन के लिए दो राज्य समाधान के लिए नई दिल्ली प्रतिबद्धता को दोहराते हुए संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए फिलिस्तीन के प्रयासों का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, भारत दो राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीनी लोग इसराइल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के आवेदन पर पुनर्विचार करने की बात कही। भारत के इस कदम को इसराइल के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है, जिसके प्रधानमंत्री फिलिस्तीनी राज्य को खतरे के रूप में देखते हैं। फिलिस्तीन ने पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जो अमेरिका के वीटो के चलते पास नहीं हो सका था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कंबोज ने कहा, भारत के दीर्घकालिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आशा करते हैं कि उचित समय पर इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के फिलिस्तीन के प्रयास को समर्थन मिलेगा। उन्होंने बताया कि भारत ने इस मामले पर महासभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र की पूर्ण बैठक बुलाने के महासभा के इरादे पर गौर किया है और इसमें सक्रिय रूप से भाग लेगा। कंबोज ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के ऊपर हमास के हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, आतंकवाद और बंधक बनाने को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत का समझौता न करने वाला रुख रहा है और हम सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवीय कानूनों का हर हाल में सम्मान करने को कहा। कंबोज ने कहा, इसराइल और हमास के बीच संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जान चली गई है और मानवीय संकट पैदा हो गया है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। कंबोज ने गाजा में मानवीय सहायता को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा, स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए गाजा के लोगों को मानवीय सहायता तुरंत बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने सभी से साथ आने का आग्रह करते हुए कहा, हम इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की है और आगे भी करता रहेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।